साल 1950, वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद यूरोप अभी भी अपने जख्मों से रिकवर हो रहा था। हर तरफ तबाही थी, लोग अपने घरों को वापस बना रहे थे, शहरों को दोबारा खड़ा कर रहे थे और एक नई दुनिया का सपना देखा जा रहा था। इस तबाही के बीच कुछ विजनरीज के दिमाग में एक नई सोच जन्म ले रही थी, एक ऐसे यूरोप का सपना जहां पर ये देश एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे और इनमें कभी वॉर नहीं होगा। ये सपना सिर्फ एक पीस ट्रीटी तक लिमिटेड नहीं था, ये सपना था एक ऐसे यूरोप का जहां पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो, ताकि इन देशों के बीच में जो दुश्मनी वर्ल्ड वॉर की वजह से पैदा हुई थी वो खत्म हो जाए। फ्रेंच लीडर रॉबर्ट शूमैन का ये विजन था कि अगर यूरोपियन देश अपनी इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेस और इकोनॉमीज को मिलकर चलाएंगे तो वो एक दूसरे से लड़ ही नहीं पाएंगे। 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ECSC का जन्म हुआ। इसने जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के बीच में कोल और स्टील इंडस्ट्रीज को कंबाइन कर दिया। ये इंडस्ट्रीज उस वक्त मिलिट्री पावर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी और अगर दोनों देश मिलकर ये इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं तो आपस में वॉर होने के चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जो आज के टाइम में दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लॉक्स में से एक है। आज EU सिर्फ एक ट्रेड ब्लॉक नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल और कल्चरल अलायंस भी है, जिसमें 27 कंट्रीज शामिल हैं। ये अलायंस दुनिया भर के टॉपिक्स पर अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर को दिखाता है। ग्लोबल ट्रेड से लेकर क्लाइमेट चेंज तक EU का इम्पैक्ट सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं है। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन कैसे बना, क्यों बना और इसका इम्पैक्ट आज पूरी दुनिया में क्या है। तो दरअसल वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप के लीडर्स ने डिसाइड किया कि अगर उन्हें फ्यूचर में वॉर्स से बचना है तो उनको अपनी कंट्रीज के रिसोर्सेज को इतना इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि आपस में कभी वॉर होने की जरूरत ही ना पड़े। तो 1951 में रॉबर्ट शूमैन के प्रपोजल पर यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी ECSC का जन्म हुआ, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लक्समबर्ग ये सारी कंट्रीज शामिल थे। इसका मकसद सिंपल था, पीस को इंश्योर करना बाय कंट्रोलिंग कोल एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जो वॉर में मेन रिसोर्सेज थी। उसके बाद 1957 का ट्रीटी ऑफ रोम ECSC को एक्सपांड करने का काम करता है। इस ट्रीटी ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC को इंट्रोड्यूस किया, जो कि सिर्फ कोल और स्टील इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड को भी इंटीग्रेट किया गया इसमें। इससे यूरोपियन देशों के बीच में एक कॉमन मार्केट का फॉर्मेशन शुरू हो गया, जो एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड कर सकते थे विदाउट टैरिफ्स, विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन EU का फॉर्मेशन असली में 1992 के मास्ट्रिच्ट ट्रीटी के जरिए होता है। इस ट्रीटी के बाद यूरोपियन यूनियन ऑफिशियली एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लॉक बन जाता है। इस ट्रीटी ने सिर्फ इकोनॉमिक यूनिटी को ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल कोऑपरेशन को भी प्रमोट किया। ये ट्रीटी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल एज वेल एज कैपिटल के लिए एक सॉलिड बेस बनाती है, जो EU के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में से एक है। 30 years ago, the Maastricht Treaty was signed between the then 12 members of the European communities, leading to the formation of the EU and eventually the Euro and Eurozone. फिर यूरो, जो कि यूरोप की कॉमन करेंसी है, इसे 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया और आज के टाइम में 20 EU कंट्रीज इस करेंसी को यूज करती हैं। इससे यूरोप के बीच क्रॉस बॉर्डर ट्रेड काफी आसान हो गया क्योंकि मल्टीपल करेंसीज का कन्वर्जन खत्म हो गया। इस स्टेप ने यूरोप की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। आज की डेट में यूरोप में 7 मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो यूरोपियन यूनियन के काम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, मैंने इन्हें स्क्रीन पर दिखा दिया है। तो दोस्तों, अब थोड़ा इस चीज पर बात करते हैं कि ये शेंगन एरिया क्या है। जब भी कोई यूरोप ट्रिप पर जाने की बात करता है तो शेंगन एरिया, शेंगन वीजा की बात करता है। तो ये शेंगन एरिया क्या है? शेंगन एरिया, जो यूरोप के सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स में से एक है, ये एक ऐसा जोन है जहां पर 29 कंट्रीज ने अपनी बॉर्डर्स को खत्म कर दिया है। ये एक तरह का ओपन बॉर्डर जोन है जहां पर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री बिना पासपोर्ट कंट्रोल के ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब अगर आप स्पेन में एंटर करते हैं तो आप वहां से फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे कंट्रीज में फ्रीली घूम सकते हैं बिना किसी बॉर्डर चेक के। ये कॉन्सेप्ट 1985 में शुरू हुआ था, जब लक्समबर्ग के छोटे से शहर शेंगन में एग्रीमेंट साइन किया गया। पहले सिर्फ 5 कंट्रीज इस एग्रीमेंट में शामिल थी, लेकिन धीरे धीरे ये 29 कंट्रीज तक एक्सपैंड हो गया। इसमें सिर्फ EU के मेंबर कंट्रीज नहीं है बल्कि नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसी नॉन EU कंट्रीज भी शामिल है। शेंगन एरिया का सबसे बड़ा बेनिफिट्स टूरिस्ट्स को मिलता है।
अगर आप एक शेंगन वीजा ले लेते हैं तो आपको मल्टीपल वीजाज अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही वीजा के थ्रू आप यूरोप के बहुत सारे देश विजिट कर सकते हैं। ये क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करता है और यूरोप की इकोनॉमीज को भी एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। तो अब थोड़ा इस चीज पर बात करते हैं दोस्तों कि सिंगल मार्केट क्या चीज है और यूरोप में ट्रेड किस तरीके से होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। तो सिंगल मार्केट ईयू का एक इकोनॉमिक बैकबोन है जो 1993 में ऑफिशियली शुरू किया गया था। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, गुड्स सर्विसेज पीपल एंड कैपिटल का फ्री मूवमेंट बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। ये मार्केट ईयू के 27 मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रेड को बहुत ही आसान बना देता है क्योंकि टैरिफ्स और एक्स्ट्रा टैक्सेस की जरूरत मोस्टली खत्म हो जाती है। इसका बेनिफिट यही है कि अगर आप एक फ्रेंच कंपनी हो और आपको जर्मनी और इटली में अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेपर वर्क या टैरिफ्स के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। ये फ्री मूवमेंट बिजनेसेस के लिए प्रॉफिटेबल है और स्मॉल कंपनीज के लिए भी इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस का दरवाजा खोल देता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल मार्केट के थ्रू काफी सीमलेस हो जाता है। जर्मनी जैसे देश अपने ऑटोमोबाइल्स और मशीनरी पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रांस से लग्जरी गुड्स वाइन्स और परफ्यूम्स आते हैं, इटली फैशन और फूड प्रोडक्ट्स का हब है जहां से ऑलिव ऑयल और पास्ता यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। सिंगल मार्केट कंज्यूमर्स के लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित होता है क्योंकि टैरिफ्स और रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, कंज्यूमर्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिलते हैं। ईयू के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी वजह से ईयू के अंदर काफी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली है और ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है उनका, और ये एक ग्लोबल लेवल पर भी यूरोप की प्रेजेंस को काफी स्ट्रांग बना देता है। तो अब थोड़ा इनकी करेंसी पर बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि यूरोप में अलग अलग करेंसीज तो हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड करेंसी इज यूरो। तो यूरो जो 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था ये आज के टाइम में 20 EU कंट्रीज की ऑफिशियल करेंसी है। यूरो के आने से ट्रेड और ट्रैवल बहुत ही आसान हो गया क्योंकि करेंसी एक्सचेंज के इश्यूज खत्म हो गए। यूरोजोन का कॉन्सेप्ट यही है कि एक शेयर्ड करेंसी के थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाए। यूरो के बेनिफिट्स काफी सारे हैं। पहले अगर आपको फ्रांस से इटली जाना होता था तो करेंसी कन्वर्जन के चार्जेस और एक्सचेंज रेट के रिस्क का सामना करना पड़ता था, लेकिन यूरो के साथ अब ये सब एलिमिनेट हो गया है। बिजनेसेस के लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन काफी स्मूथ हो गई है और नॉर्मल लोगों के लिए ट्रैवल काफी ज्यादा कन्वीनियंट बन गया है। लेकिन यूरो के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। हर कंट्री की इकोनॉमी एक जैसी नहीं होती और जब वीकर इकोनॉमीज जहां रिसेशन होता है वो यूरो यूज करती हैं तो उनके पास अपनी करेंसी डीवैल्यू करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसे ग्रीस ने डेट क्राइसिस के वक्त यूरो की वजह से बहुत स्ट्रगल किया था। इसके बावजूद यूरो ने यूरोप को एक फाइनेंशियल सुपर पावर बना दिया है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी है और यूरोप के ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन आगे रिफॉर्म्स की अभी भी जरूरत है ताकि यूरोजोन की इकोनॉमीज और स्टेबल हो सकें और हर कंट्री के लिए ये फायदेमंद बन सके। ओवरऑल देखा जाए तो ईयू की काफी सारी कंट्रीज दुनिया के टॉप रैंकिंग्स में आती हैं अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस इंडेक्स और एजुकेशन। यहाँ पर कुछ की ग्लोबल इंडाइसेस हैं जहाँ पर ईयू कंट्रीज टॉप पर हैं और इन इंडाइसेस को मेंटेन करना, इस चीज को वहां पर काफी ज्यादा प्रायोरिटी भी दी जाती है। ये कुछ चीजें हैं जिनसे डेवलपिंग कंट्रीज इन डेवलप्ड नेशंस से इंस्पिरेशन ले सकती हैं और इन रैंकिंग्स पर आगे जाने की कोशिश कर सकती हैं। तो अब थोड़ा बात करते हैं दोस्तों कि यूरोप अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी को कैसे हैंडल करता है। दरअसल आज के टाइम पर कोई एक सिंगल यूरोपियन आर्मी नहीं है, लेकिन इसको बनाने के लिए प्लान्स और डिस्कशंस चल रहे हैं। यूरोपियन आर्मी का आइडिया यही है कि कॉमन डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए और ईयू के अपने मिलिट्री ऑपरेशंस में ये ज्यादा ऑटोनोमस बन पाए। लेकिन अभी के लिए ज्यादातर ईयू कंट्रीज की डिफेंस नेटो हैंडल करती है, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें कई लेकिन सारी नहीं ईयू कंट्रीज शामिल है। ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड और माल्टा ईयू के मेंबर तो है लेकिन नेटो के मेंबर नहीं है, जबकि स्वीडन और फिनलैंड अभी हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया है। नेटो जो कि मेनली यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर आता है, ये यूरोपियन सिक्योरिटी में क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि ये नेटो असल में है क्या। तो दरअसल नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस है
जो 1949 में बना था, इसका प्राइमरी पर्पस अपने मेंबर कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना और कलेक्टिव डिफेंस का सिस्टम प्रोवाइड करना है। नेटो का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर किसी एक मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो बाकी सब कंट्रीज मिलकर उसका डिफेंस करेंगी। ये प्रिंसिपल नेटो के फाउंडिंग ट्रीटी के आर्टिकल 5 में लिखा गया है। आज की डेट में नेटो के 32 मेंबर्स हैं, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी और टर्की जैसी मेजर मिलिट्री पावर्स शामिल हैं। नेटो का मेन ऑब्जेक्टिव अपने मेंबर्स को एक्सटर्नल थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करना और ग्लोबल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। नेटो का मिलिट्री अलायंस काफी स्ट्रांग है और इसकी प्रेजेंस ग्लोबली इंपैक्टफुल है। लेकिन अगर यूरोप की कोई आर्मी नहीं है तो नेटो के पास आर्मी पर्सनल कहां से आता है? तो दरअसल नेटो के पास अपनी कोई परमानेंट आर्मी नहीं है, लेकिन जब जरूरत होती है तब मेंबर कंट्रीज अपने सोल्जर्स और मिलिट्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। ये कंबाइंड स्ट्रेंथ नेटो को दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस बना देता है। नेटो के अंडर लैंड, सी, एयर और साइबर डिफेंस सब कवर होते हैं। फिर नेटो रिस्पांस फोर्स, ये एक क्विकली डिप्लॉय होने वाला एक एडवांस्ड फोर्स है। NRF का काम इमरजेंसी सिचुएशंस में इमीडिएट एक्शन लेना है। इसका यूज ह्यूमैनिटेरियन मिशन से लेकर फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस तक होता है। ये फोर्स नेटो को एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। नेटो का आर्टिकल 5 ये इनके अलायंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी नेटो मेंबर पर एक्सटर्नल अटैक होता है तो बाकी सब कंट्रीज उसे अपने ऊपर अटैक समझकर डिफेंड करती हैं। आर्टिकल 5 पहली बार 9/11 अटैक्स के बाद यूएसए के लिए इन्वोक किया गया था, जब सारे नेटो मेंबर्स ने मिलकर टेररिज्म के खिलाफ अफगानिस्तान में ऑपरेशन किया था। नेटो के मेंबर्स के पास एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी हैं। यूएसए, यूके, फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इनकी स्ट्रांग मिलिट्री प्रेजेंस पूरी दुनिया भर में है। नेटो के मेंबर्स के पास सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, टैंक्स और वॉरशिप्स भी हैं। इस तरह की मिलिट्री पावर नेटो को ग्लोबल सिक्योरिटी के मामले में अनपैरेलल्ड बना देती है। न्यूक्लियर वेपन्स की अगर बात करें तो नेटो के कुछ मेंबर कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जो अलायंस की ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है। इसमें यूएसए, यूके, फ्रांस के न्यूक्लियर आर्सेनल्स का मेजर रोल है। यूएसए के पास सबसे ज्यादा एडवांस्ड और लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो नेटो के डिटरेंस के लिए एक मेजर स्ट्रेंथ है। यूके के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स हैं, जो उनकी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन्स भी मेजर डिटरेंस के तौर पर काम करते हैं, और वो भी अपने इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर पॉलिसी होने के बावजूद नेटो के मिशंस में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस देते हैं। ये न्यूक्लियर वेपन्स नेटो को एक्सटर्नल थ्रेट्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिटरेंट करने के काम में मदद करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि यूरोप का डिफेंस काफी पावरफुल हो। अब साइबर डिफेंस की अगर बात करें तो आज के डिजिटल जमाने में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। नेटो ने अपने साइबर डिफेंस सिस्टम्स को भी काफी एडवांस्ड रखा है। ये सिस्टम्स नेटो के मेंबर्स को साइबर अटैक से बचाता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग नेटो की अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। कुछ पास्ट एग्जांपल्स की बात करें तो अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक 9/11 टेररिस्ट अटैक्स के बाद नेटो ने अपनी आर्टिकल 5 को एक्टिवेट किया और अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए। नेटो ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स ISAF को बनाया, जो 13 साल तक अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने में लगी रही। उसके बाद रीसेंट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद नेटो ने अपने ईस्टर्न यूरोपियन मेंबर्स जैसे कि पोलैंड, इस्टोनिया, लातविया, इनमें मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाया। नेटो ने एनहांस्ड फॉरवर्ड प्रेजेंस EFP के अंडर इन कंट्रीज में ट्रूप्स डिप्लॉय किए ताकि रशिया के अग्रेशन को रोका जा सके। ये यूरोप के लिए नेटो की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। अब नेटो के अलावा यूरोपियन यूनियन के अपने कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी CSDP के अंडर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भी चलता है। हालांकि EU के पास अपनी खुद की यूनिफाइड आर्मी नहीं है, ये पीस कीपिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट मिशंस में फोर्सेस को डिप्लॉय करती है। तो अगर कंक्लूड किया जाए तो नेटो यूरोप के डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए एक क्रिटिकल पिलर है। जब भी यूरोप पर कोई एक्सटर्नल थ्रेट होता है तो नेटो का आर्टिकल 5 इंश्योर करता है कि पूरी अलायंस मिलकर उस कंट्री का डिफेंस करे। तो अब थोड़ा इन चीजों पर बात करते हैं दोस्तों कि EU में अभी क्या चैलेंजेस चल रहे हैं या क्या चैलेंजेस रिसेंटली थे। तो दरअसल 2016 में ब्रेक्सिट रेफरेंडम एक ग्लोबल इवेंट बना, जिसमें यूके ने डिसाइड किया कि वो यूरोपियन यूनियन का अब हिस्सा नहीं रहेंगे। 2020 में यूके ऑफिशियली EU से अलग हो गया, और ब्रेक्सिट के बाद यूके और EU के रिलेशंस ड्रास्टिकली बदल गए।
पहले यूके के लिए ईयू मेंबर होने का मतलब ये था कि ईयू सिटीजन्स वहां फ्रीली काम कर सकते थे और सेटल हो सकते थे, लेकिन अब यूके में सेटल होने के लिए इन्हें सेपरेट वीजास और इमिग्रेशन प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। ब्रेक्सिट के बाद काफी सारी चीजें बदली। ब्रेक्सिट के बाद ट्रेड टर्म्स काफी ज्यादा बदल गए। पहले यूके और ईयू के बीच में गुड्स का जो एक्सचेंज था बिना किसी टैरिफ्स के होता था, लेकिन अब नए इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स और पेपर वर्क के चलते बैरियर्स खड़े हो गए हैं। ये ट्रेड बैरियर्स उनके प्रॉफिट्स पर डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं और सप्लाई चेन्स को भी डिले कर देते हैं। एक और मेजर इश्यू जो ब्रेक्सिट के बाद हुआ वो था नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच के बॉर्डर कंट्रोल का। नॉर्दर्न आयरलैंड दरअसल यूके का हिस्सा है और आयरलैंड ईयू का। इस वजह से नए ट्रेड रूल्स और पीपल मूवमेंट के कंट्रोल्स ने सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना दिया है। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रेक्सिट के पीछे क्या रीजंस थे, क्यों यूके ने यह बड़ा डिसीजन लिया, क्या इमिग्रेशन और सॉवरेनिटी के फैक्टर्स इन्वॉल्व थे और आज की डेट में इसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, तो इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्यूचर अपडेट्स के लिए। टॉपिक पर वापस आते हैं, तो इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद ईयू ने अपनी ग्लोबल पोजीशन को मजबूत बनाने की कोशिश हमेशा से रखी है। क्लाइमेट चेंज से लेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तक ईयू ने कई ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, लेकिन अगर ईयू अपने इंटरनल डिफरेंसेस को रिजॉल्व नहीं करता तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इश्यू और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। ब्रेक्सिट के बाद ईयू ने अपने ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करने पर भी फोकस किया है। इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देने का इसका एक एग्जाम्पल है। इंडिया और ईयू के बीच में टेक्नोलॉजी, ट्रेड और क्लाइमेट कोऑपरेशन पर फोकस करने से ईयू ने अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करने की कोशिश की है, स्पेशली यूके के एग्जिट के बाद। आने वाले समय में ईयू का फ्यूचर इस पर काफी डिपेंडेंट होगा कि वो अपने इंटरनल चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करते हैं और अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस को कैसे मेंटेन रखते हैं। तो ये सब तो ठीक है दोस्तों, लेकिन इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो दरअसल इंडिया और ईयू के बीच का ये जो रिश्ता है ये काफी सालों से इवॉल्व हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी दोनों अपने बेस्ट स्टेज पर हैं, खास करके रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से कुछ सेटबैक्स सामने आए हैं, लेकिन मेरी राय में ये पार्टनरशिप आने वाले सालों में एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पर जाएगी। 2004 में फॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के बाद ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और कल्चरल एक्सचेंज जैसे सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। आज के टाइम पर इंडिया और ईयू के बीच के रिलेशंस को एक एग्जांपल के रूप में देखा जाता है कि कैसे दो अलग अलग रीजन्स अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं और एक शेयर्ड विजन के साथ फ्यूचर में प्रोग्रेस कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आज की डेट में, जो हर साल बिलियंस ऑफ यूरोज के ट्रेड का इंडिकेटर है। इस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाई का फायदा दोनों तरफ के बिजनेसेस को मिलता है, जहां इंडियन कंपनीज को यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिलता है और यूरोपियन बिजनेसेस को इंडिया के फास्ट ग्रोइंग मार्केट का। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के ऊपर टॉक्स चल रही हैं। अगर फाइनलाइज होती हैं तो ये रिलेशन और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। अगर FTA साइन होता है तो इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इन चीजों को यूरोप में बेचना और आसान हो जाएगा। साथ ही यूरोपियन यूनियन के लग्जरी गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, इन चीजों को इंडियन मार्केट में स्मूथ एंट्री मिल जाएगी। ये एग्रीमेंट दोनों तरफ के बिजनेसेस के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों ही सेक्टर्स को काफी बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा इंडिया और ईयू दोनों क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भी यूनाइटेड फ्रंट बना रहे हैं। दोनों रीजन्स का क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप एक ऐसा इनिशिएटिव जो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ये पार्टनरशिप सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी काफी बेनिफिशियल होगी। सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन के एडवांस टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करके इंडिया अपने अर्बन एंड रूरल एरियाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकता है। इसके अलावा डिजिटल रेवोल्यूशन के एरा में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया और ईयू के बीच काफी प्रॉमिसिंग कोलैबोरेशन हो रहा है। इंडियन आईटी कंपनीज जैसे कि इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो यूरोपियन मार्केट्स में इनका काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आईटी सर्विसेज को आगे ले जा रहे हैं। अगर एफटीए फाइनलाइज हो जाता है तो इंडियन टेक कंपनीज के लिए यूरोपियन मार्केट और भी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा, जो उनके लिए और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। इंडियन डायस्पोरा भी यूरोप के कई कंट्रीज में एक्टिव है एंड ग्रोइंग है, जो इंडियन कल्चर को यूरोप के शहरों में लेकर आता है।
मोस्टली ये लोग स्टूडेंट्स के तौर पर वहां गए और उनमें से काफी सारे अब या तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर वहां के सिटीजन्स भी बन गए हैं। इंडियन फूड फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस यूरोप में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, जो इस पार्टनरशिप के सॉफ्ट पावर एस्पेक्ट को स्ट्रेंथन करता है। इसका फायदा ये होता है कि दोनों रीजन्स एक दूसरे के कल्चर के बारे में और वैल्यूज के बारे में जानते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करने लगते हैं, जो लॉन्ग टर्म टाइज को काफी मजबूत बना देता है। फिर पिछले कुछ सालों में इंडिया और ईयू के बीच में डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी काफी मजबूत हुआ है। मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी, इन फील्ड्स में दोनों रीजन्स के बीच काफी सारे कोलैबोरेशंस किए जा रहे हैं। इंडियन ओशियन रीजन में स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया गया है, जहां सिक्योरिटी इंटरेस्ट अलाइन करते हैं। इसका लॉन्ग टर्म फायदा ये होगा कि ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स मिल पाएगा, जो दोनों तरफ के रीजनल इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा। ईयू के अंदर कई कंट्रीज के साथ इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस भी काफी स्ट्रांग हैं, जैसे कि जर्मनी। जर्मनी इंडिया का यूरोप में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग और मेडिकल, इन सेक्टर्स में दोनों कंट्रीज के बीच में काफी क्लोज टाइज हैं। उसके बाद फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच का रिलेशनशिप खास करके डिफेंस और एरोस्पेस में काफी मजबूत है। रफाले फाइटर जेट्स के डील के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस कोलैबोरेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। उसके बाद नेदरलैंड्स और इंडिया के बीच वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, अर्बन डेवलपमेंट, इन एरियाज में बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स हैं, जो दोनों तरफ के डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त में इंडिया और ईयू के बीच के रिलेशंस और भी स्ट्रांग होने की उम्मीद है। ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए FTA टॉक्स का सक्सेस काफी क्रूशियल होगा। क्लाइमेट एक्शन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एरियाज में कोलैबोरेशंस को और एक्सपांड करने की जरूरत है। दोनों ही रीजन्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये एक्सेलरेट करेगा। क्लाइमेट एक्शन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एरियाज में भी कोलैबोरेशन को और एक्सपांड करने की जरूरत है, जिससे दोनों ही रीजन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन को भी और मजबूत करना होगा, स्पेशली इंडियन ओशन वाले रीजन में, जहाँ रीजनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स अलाइन करते हैं। अगर ये सब इनिशिएटिव सक्सेसफुल होते हैं तो इंडिया और ईयू के बीच के रिलेशंस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी में एक इन्फ्लुएंशियल फोर्स बनने का पोटेंशियल रखते हैं। कल्चरल चेंज, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और क्लाइमेट चेंज के जरिए दोनों रीजन्स अपने म्यूचुअल गोल्स को अचीव करने का पोटेंशियल रखते हैं, जो इस पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के रास्ते पर ले जाएगा। मेरे हिसाब से ये ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के चांसेस काफी हाई है और हम जिस एरा में हैं हमें उस चीज का फायदा उठाना चाहिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। अगर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो जरूर फॉलो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।